बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान में जाफरा बाजार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का अवतार माना गया है। उनका पावन धाम उड़ीसा जगन्नाथपुरी में है। इसे प्रमुख धामों में से एक माना गया है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी को रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी मान्यता है कि जगन्नाथ जी 15 दिन तक अस्वस्थ रहने के बाद इस दिन स्वस्थ हुए थे। इसी बात पर सुभद्रा जी ने नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। अपनी बहन को नगर भ्रमण करवाने के उद्देश्य से रथ पर विराजमान होकर निकले, तभी देवर्षि नारद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि ईश्वर आप तीनों इसी रूप में विराजमान हो। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि जो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर रथ को खींचता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। जिसके संबंध में प्रमोद कुमार ने बताया कि यह रथ यात्रा सालों से निकाली जा रही है तथा यह रथ यात्रा शीश महल मंदिर से जाफरा बाजार, अंधियारी बाग, दुर्गाबाड़ी, चरणलाल चौक, आर्यनगर से थवई पुल, दीवान बाजार, पेनीगंज होते हुए शीश महल मंदिर पर समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमोद कुमार ने कहा, जाते हैं और उसके प्लस में ये भ्रमण करते हैं। पूरे ये शीश महल मंदिर से निकाल कर ये दुर्गावाड़ी होते हुए आली नगर होते हुए दीवान बाजार होते हुए फिर ऊपर आप मंदिर स्थापित।